Hello everyone. Many of you might be starting your RBI preparation right now. And with 5 months left, the thought that might be coming in your mind would be whether it is really possible to crack this exam, this prestigious exam, by preparing for next 5 months. Well, the answer to this question is yes and no. Agar aap soch rahe hain ki sirf dedication se, hard work se aap 5 mahine mein exam clear kar lenge, to answer is no. But yes, along with dedication, if you can follow right strategy and the right sources, the answer is definitely yes. So in this video, I would be telling you 5 simple steps that you need to follow. You should follow if you want to clear exam, RBI Grade B exam, by preparing for next 5 months. So let's start this video. And before that, I want to tell you something really great. We have come up with this comprehensive guide for RBI manager. तो जो भी लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे वुड हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड. आरबीआई करता क्या है, आरबीआई के डिपार्टमेंट्स क्या हैं, क्या क्या डिफरेंट प्रमोशंस आरबीआई में होती हैं, एग्जाम को लेकर भी यू वुड हैव सो मेनी डाउट्स इन योर माइंड. आरबीआई का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, व्हाट हैव बीन द कट ऑफ्स, सैलरी क्या है, इनहैंड सैलरी क्या है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, रिसोर्सेज कौन सी अच्छी रहेंगी, वेबसाइट्स, मैगजीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे. एंड आई एम श्योर दैट यू वुड बी सर्चिंग द आंसर टू दीज क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल्स, एंड स्टिल यू वुड नॉट बी गेटिंग डेफिनेटिव आंसर्स. बट जस्ट गोइंग थ्रू दिस गाइड, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ 25 से 30 पेजेस की है, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा कलरफुल है. यू विल एंजॉय रीडिंग दिस. सो जस्ट रीड दिस एंड गेट आंसर्स to all your questions, rather definitive answers to all your questions. Milegi kahan se? Is video ke description mein link hai, jaakar download kijiye aur isko padhiye. It will do a lot of value add to your preparation. Right? So chaliye, let's start now. 5 months, 5 steps. I'm going to tell you. Please take pen and paper, notes banaiye, properly isko samjhiye. This can help you in laying a strong foundation, having a broader plan. अगर ये आपने समझ लिया नेक्स्ट 5 महीने में, जैसा कि मैंने कहा, डेडिकेटेड तो आप हैं ही, मोटिवेटेड भी हैं, बट विद राइट स्ट्रेटेजी एंड द राइट सोर्सेज, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, यू कैन डू वंडर्स. द फर्स्ट स्टेप गाइस इटसेल्फ इज डिसाइड अ ब्रॉड टाइम टेबल. अगर आप रैंडमली पढ़ेंगे कि आज FM पढ़ लेता हूं, कल ESI, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग, एंड विदाउट एनी ब्रॉड टाइम टेबल दैट विद इन दीज टाइमलाइंस आई हैव टू फिनिश दिस कॉम्पोनेंट, देन देयर इज नो यूज ऑफ स्टडी. आपको ये ब्रॉडर टाइम प्लान, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. वो कैसा दिख सकता है, ऑब्वियसली दैट वुड वेरी फॉर एवरीवन. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस. कॉमर्स वाले शायद फाइनेंस को उतना मुश्किल नहीं समझेंगे, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है शायद वो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को इतना मुश्किल नहीं समझेगा. डिफरेंट पीपल वुड टेक नाउ डिफरेंट रूट्स टू दिस प्रिपरेशन, बट दिस कैन बी अ वेरी जनरिक प्लान. एक बोलते ना एवरग्रीन प्लान, वैसा ही एवरग्रीन प्लान है. So you have to divide your preparation into blocks. The first block is ending 31st December. Then the second block is ending on 10th of February. And the third block is ending somewhere around 31st March. Your exam is expected somewhere in mid-April. 15 April ko humara phase 1 ho sakta hai. Ye cheez bhi aap likh le. So in the first block, I would be concentrating only on few subjects. That would be FM Quant. I have separately written FM answer writing here because normally people don't do answer writing. Unko lagta hai baad mein dekh lenge. ऐसी गलती मत करना. 300 में से 200 मार्क्स की आंसर राइटिंग है गाइस, इसको लिख लो यार. जैसा भी गंदा लिख रहे हो, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, ग्रामर अच्छी नहीं है, बट लिखो. दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड बी गिविंग टू. तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है. सेकेंड ब्लॉक में यू शुड बी फोकसिंग ऑन ESI रीजनिंग एंड ESI आंसर राइटिंग. ये ब्लॉक थोड़ा आसान रहेगा, राइट. यहां पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट गिवन 40 डेज टू एवरी ब्लॉक. तो ESI में एज यू ऑल नो ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं, बट वी नीड टू कवर द बेसिक कंसेप्ट्स. और रीजनिंग काफी लोग कर लेते हैं, आई मीन क्वांट काफी मुश्किल लगता है, बट रीजनिंग कर लेते हैं. और ESI आंसर राइटिंग. और थर्ड ब्लॉक में यू शुड बी फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2. आई हैव इंटेंशनली पुट देम लेटर आफ्टर 10th ऑफ फेब, क्योंकि आप जितना इसको लेट करेंगे उतना रिटेंशन बेटर होगा. तुम्हारे पास यहाँ पे कम टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, ऑलमोस्ट लाइक 50-60 डेज, वेयर आई ओनली नीड टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड नथिंग एल्स, बिकॉज मेरा क्वांट, FM, ESI, रीजनिंग सारा हो चुका है. आई कैन जस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर्स मेनली.
though I would love to do revision in this time, but current affairs mera primary goal rahega. Descriptive English maine yahan nahi dala hai, that can be done later. And if you have practiced these answer writing things that I've told you, descriptive English is not a big deal. तो एक ब्रॉडर टाइम टेबल है, आप इसको फॉलो करें. और इसको फॉलो नहीं करना है, मतलब इसकी पूजा करनी है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा कुछ भी करके, इफ यू वांट टू टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम. सेकंड स्टेप इज फाइनलाइज द सोर्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स तैयारी शुरू कर ली है, एक सोर्स पकड़ लिया है, 10 दिन के बाद ये सोर्स तो अच्छा नहीं है, अभी तो मैं वहां से पढ़ना चाहता हूँ. सो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज योर टाइम इज वेरी क्रूशियल and you are trying to get the one of the most prestigious job in the country, aap lazy attitude ya non-serious attitude nahi rakh sakte hain. Aapko sources bahut acche se finalize hongi, jo bhi research karni hai, jo bhi mentors se baat karni hai, jo bhi selected candidates ko sunna hai, abhi sun lijiye and then finalize your sources. Usko lock laga dijiye bilkul ki ab iske bahar main kuch nahi padhunga. Wo resources kya hai, main aapko thoda idea de deta hu, but you can decide your own sources. FM के लिए आई वुड सजेस्ट, फाइनेंस के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मैकमिलन एजुकेशन, दोनों ठीक ठाक बुक्स हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताती हैं, बट स्टिल यू वुड बी एबल टू कवर लार्ज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. बाकी गूगल कर लेना टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स विद बेटर क्लैरिटी. मैनेजमेंट के लिए LM प्रसाद की दो बुक्स हैं, यहाँ पे नहीं है. LM प्रसाद की एक बुक है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, आप लिख सकते हैं. And the second book is Organizational Behavior by LM Prasad. You also need to read book related to ethics and corporate governance. And a book by B.N. Ghosh is a decent one. बहुत अच्छी नहीं है, but आपका काम चल जाएगा. So this is for FM. For Quant, you can use Quantitative Aptitude. And there are some topics in finance specifically in your syllabus which are not available in these books. उसको आप Google कर लीजिएगा. Right? So this is for FM and Quant. For ESI, you know that reading static is not an effective preparation, but basics pe to kaam karna hi padega hame. Indian Economy by Ramesh Singh and Social Problems in India by Ram Ahuja. Ye do kitabe aap pad sakte hai ESI ke liye. Reasoning ke liye Verbal and Non-Verbal Reasoning by IRS Agarwal. Thodi moti book hai, but if you try to map the topics with the previous year questions, bahut kam topics aapko karne honge. And for current affairs, guys, this is one of the major problematic area. Current affairs के लिए specifically यहाँ पे अगर मैं बात करूँ phase 2 की, phase 1 में भी काफी काम आएंगे PIB and Hindu. These two sources can effectively help you cover 80-90% of your current affairs for phase 2. But इनको खुद से करना आसान नहीं है. They are very voluminous. PIB में more than 100 articles there are on daily basis and it is very difficult to filter them out. Then find out what is relevant and then make your own notes. Nahi kar payenge aap. So it's good that if you look for some compiled sources, jo inka sara material aapko, relevant material aapko compress karke de dein. Theek hai? Those who are reading from EduTab courses, for schemes you can use SchemeStep. We have a monthly compilation where we are giving mind maps of schemes. इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई पीआईबी नहीं पढ़नी है, कोई हिंदू नहीं पढ़नी है, सारी स्कीम्स आपकी यहां से कवर हो जाएंगी. एंड वी विल मेक श्योर दैट व्हाटएवर ओल्ड स्कीम्स आर बीइंग आस्क्ड आल्सो, दे हैव अ पैटर्न वी आर कवरिंग हियर. रिपोर्ट्स के लिए देयर इज अ मंथली कंपाइलेशन ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल इन योर कोर्स. इसके बाहर अगेन कुछ नहीं पढ़ना है. ये सारी जो मैं करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ आपको, फॉर फेज 1 यू हैव टू रीड इट फॉर अराउंड 3-5 months, बस इतना ही, इससे बाहर नहीं. देन आरबीआई नोटिफिकेशंस, ये काफी लोग छोड़ देते हैं, मेंटर्स भी नहीं बताते हैं. यू हैव टू रीड मंथली आरबीआई नोटिफिकेशंस कंपाइलेशन इन योर कोर्स, बहुत जरूरी है. फेज 1 में भी 6-7 क्वेश्चन यू विल गेट ऑन आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड इन फेज 2 एफएम पेपर आल्सो यू विल गेट आरबीआई नोटिफिकेशंस. एंड फॉर जीए ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स देयर इज अ मंथली सीए मैगजीन कंपाइलेशन इन योर कोर्स, आप उसको फॉलो करें. तो ये सोर्सेज हैं जो आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं मेजोरली. इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मैगजीन नहीं, एवरीथिंग इज बीइंग क्यूरेटेड इन दिस सोर्सेज. तो ये आपकी बेसिकली सोर्सेज हो गई हैं गाइस. नाउ द थर्ड स्टेप इज राइट स्ट्रेटजी. मैंने आपको शुरू में बताया था, जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो, जितनी मर्जी डेडिकेशन हो, एट द एंड एग्जाम वही क्लियर करेगा जो घोड़े की तरह तैयारी करेगा, गधा नहीं. ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है. यस वी हैव द डेडिकेशन, बट वी नीड टू यूज द डेडिकेशन इन अ चैनलाइज मैनर. And that can be done by having the right strategy and the right sources. Sources मैंने आपको बता दी हैं,
राइट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन शायद 60% रह जाएगी इन कंपैरिजन टू नो एक अलग जो बच्चा कर रहा है और सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जीए में सबसे पहली बात है फॉर फेज वन देर इज नो नीड टू रीड जीए फॉर 9 months, 12 months, 8 months, दैट्स अ मिसनोमर, दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन दैट हैज बीन क्रिएटेड। We have analyzed the past year papers for 5 years and it very clearly comes out that what you need is 3/5 rule, that if you have time, go for 5 months, but if you don't have time, go for 3 months. 3 months are the most important. Ye padke bhi you can still get 70 to 65% of your questions in the exam from these 3 months. Reports, schemes, notifications, RBI notifications, ESI, FM current affairs, everything, minimum 3 months, maximum 5 months. That's it, 3/5 rule. Quant and reasoning, अब quant के 20 chapter पढ़ने हैं, reasoning के 30 chapter पढ़ने हैं, there is no need to that. You hardly get 25 minutes in quant. In those 25 minutes, आप 30 question कहां से कर लेंगे? आप 10 question कर पाएंगे, 12 question कर पाएंगे, that's it. So, क्यों अपना time खराब कर रहे हैं? Why are you trying to do so much of syllabus at an below average level? And the result would be that you would not be able to solve any question in the exam. Rather, use this time to do limited topics. 50-60% सिलेबस करो, बट अच्छे से करो, हार्ड प्रैक्टिस करो, सो दैट अगर 12 क्वेश्चन आपके उन टॉपिक्स में से आए हैं, आप 7-8 तो सॉल्व कर पाओ, एंड दैट इज मोर देन एनफ टू क्लियर द कटऑफ। ठीक है, तो ज्यादा घिसना नहीं है, क्वांट रीजनिंग में स्मार्ट वर्क करना, यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। मैनेजमेंट में इन केस यू आर रीडिंग फ्रॉम द कोर्स, रीड ओनली नोट्स, स्किप वीडियोस, राइट, बट कुछ छोड़ना नहीं है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। मैनेजमेंट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। You know the average score in FM is 75, whereas in ESI that is 60. The reason, the difference is this management part, very scoring. Then coming on to finance. Finance mein bhi sare chapter nahi padhne, sequence mein padhne lag jate hain. Just focus on these chapters first, which are on your screen: primary and secondary markets, risk management, inflation, derivatives, functions of RBI, monetary fiscal policy, and who regulates what, basically. कि इंडिया में कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हु रेगुलेट वेरियस एरियाज, फॉर एग्जांपल आरबीआई रेगुलेट्स एनबीएफसीज, सेबी रेगुलेट कैपिटल मार्केट्स, इस तरह से आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से हर साल यू गेट वन क्वेश्चन, राइट। और फाइनेंस में जैसा मैंने पहले भी बताया, आरबीआई नोटिफिकेशंस बहुत पूछी जाती है फाइनेंस वाले पेपर में आपके, तो उनको अच्छे से कर लीजिए फॉर पास्ट 6 months, दोस्त मैंने पहले बता दिया आपको। और ईएसआई में भी देयर इज नो नीड टू रीड ईएसआई सीक्वेंशियली, लग जाते हैं पूरा ईएसआई पढ़ने में घंटा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। पेपर इज करंट अफेयर्स बेस्ड मोस्टली, डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आ रहे हैं, और आई वुड से दैट रीड दिस 5-7 चैप्टर्स फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द कोर इकोनॉमिक्स, सो दैट लेटर यू कैन इवन अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स। वो चैप्टर कौन से हैं? इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये दो तो कॉमन ही है आपके जो मैंने यहां बताए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देयर आर टू अदर चैप्टर्स, वो भी आप पढ़ लेना टाइम लगे तो, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईएसआई में जस्ट रीड दिस टॉपिक्स फर्स्ट, यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द एग्जाम। बाकी टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लो फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव। बाकी करंट अफेयर्स फोन नहीं है ईएसआई में, बस करंट अफेयर्स, राइट। सो ये एक राइट स्ट्रैटेजी है जो आपकी प्रिपरेशन को 50% रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लो, पॉज कर लो वीडियो, लिख लो, नोट्स बना लो, बट इसी पे चलना, दिस इज योर बेस्ट चांस। स्टेप नंबर 4 इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सी एट द एंड ऑफ द डे आप 400 घंटे पढ़ेंगे, 500 घंटे पढ़ेंगे, 1000 घंटे पढ़ेंगे, डज नॉट मैटर। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज दैट हु इज द बेस्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग देयर लर्निंग और मैक्सिमाइजिंग देयर स्कोर इन दोस 3-4 आवर्स। उसके लिए सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगी, उसके लिए बहुत सारी चीजें काम आएंगी। आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, आप कैसे मेंटल प्रेशर झेलते हैं, आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, हाउ डू यू गेस आंसर्स विद योर इंट्यूशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। क्वेश्चंस कोई ऐसे हलवे की तरह तो नहीं आएंगे कि सारा पढ़ा हुआ से आ गया और टिक कर आए, नहीं। पेपर वुड बी चैलेंजिंग, ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैव अ टास्क टू सेट अ चैलेंजिंग पेपर। ठीक है, तो वहां पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, मतलब क्वेश्चंस तो ऐसे होने चाहिए कि हमसे खत्म ही नहीं हो रहे। दैट शुड बी आर प्रैक्टिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हमें, बहुत सारे, और सारी चीजें जो एक एग्जाम में मॉक टेस्ट देते हुए चाहिए हमें, एक कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक,
एलिमिनेशन टेक्निक, वो सारी हमें सीखनी है, ठीक है। तो भले ही हम 3-4 चैप्टर छोड़ जाएं, बट प्रैक्टिस को हमें अच्छे से करना है। सिमिलरली रिवीजन, दैट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक स्पेशली इन करंट अफेयर्स। आप एक ही सोर्स पकड़ो, एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करो, इवन द टॉपर्स आर सजेस्टिंग द सेम। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं, दिस इज समथिंग टॉपर्स आर सजेस्टिंग यू, ठीक है। हाँ, अगर आपने सोर्स बढ़ानी भी है, मेक इट 1.5 एट द मैक्स। 1.5 मतलब एक सोर्स अच्छे से कर लो, कोई और सोर्स से जो आपको कुछ अलग मिल रहा है वो पढ़ लो, बट दोनों सोर्सेज को नहीं करना है कि एक महीने वो पढ़ लिया, एक महीने वो पढ़ लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। पर एमसीक्यूज यू कैन डू फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसका उसका कोई लिमिट नहीं है। वट एवर एमसीक्यूज यू गेट फ्रॉम एनी सोर्स, डू इट। और ये जो आपको रिविजन और प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने जो एरो लगाया है यहां पे मैक्सिमाइज करनी है इस टाइम फ्रेम में, जो कि आपका 10 मार्च से 10 अप्रैल तक है, सॉरी 10 फेब से 10 अप्रैल तक है। इसके बीच में अराउंड 10th ऑफ मार्च यू शुड बी गिविंग मॉक टेस्ट, यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट दीजिए, सो दैट बाय 10th ऑफ अप्रैल आपके 8-9 मॉक टेस्ट हो जाए, बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्ट्रैटेजी नहीं है बट एक बिलीफ है, डोंट लूज होप, हैव फेथ। यार कोई भी बंदा मुझे लाइफ में बता दो जिसको चैलेंजेस ना आए हो, प्रॉब्लम ना आए हो, जिसकी लाइफ ऐसे गई हो, नहीं। हमारा ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा, हमेशा। इवन यू गेट इनटू आरबीआई, यू विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस, यू विल हैव हाईज एंड लोज ऑफ योर लाइफ। इवन द पीपल हु हैव गॉट सिलेक्टेड इन आरबीआई दिस ईयर और द पास्ट ईयर, दे ऑल्सो हैड द सेम काइंड ऑफ जर्नी। यूपीएससी दिया नहीं हुआ, बैंकिंग दिया नहीं हुआ, सेबी दिया नहीं हुआ, एवरीबॉडी हैव देयर स्ट्रगल्स। तो बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए दूसरों को देखकर कि वो आईआईटी से है, वो आईएम से है, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, मैं कैसे करूंगा, मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरा क्या होगा। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, बी होपफुल, हैव फेथ, एंड हैविंग फेथ इज ऑल अबाउट यू नो यू विल रीच देयर, यू नो यू आर डूइंग एवरीथिंग टू रीच देयर, बट यू डोंट नो हाउ यू विल रीच देयर, दैट्स इट। हैव फेथ, have faith in your abilities, have faith in that almighty and you will get your destination. But ha, ye tabhi hoga jab aap dedication plus right strategy and right sources follow karenge. Ye pura ek cheezein judi hui hain, sirf dedication se nahi hoga, ya sirf right sources le li lekin dedication nahi hai usse bhi nahi hoga. Jab ye sari cheezein karenge तभी जाके ये फेथ भी बनेगा, बिकॉज वेन वी आर गिविंग अ बेस्ट वी नो दैट वी आर वर्किंग हार्ड, गॉड इज विद मी, आई विल श्योरली अचीव माई डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इन 5 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर आवर पेड स्टूडेंट और नॉट अ पेड स्टूडेंट, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। यू कैन ऑलवेज ईमेल अस एट hello@edutab.co.in और यू कैन कॉल अस एट 8146207241। आपको कभी भी निराशा नहीं हाथ आएगी वेन एवर यू इंटरैक्ट विद एडुटैब, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप में से कितने लोग इस 5 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं, आप में से कितने लोग डेडिकेशन से आरबीआई की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो, सर आई विल डू आरबीआई प्रिपरेशन विद ऑल माई डेडिकेशन and right strategy and sources. I repeat, you have to comment, sir, I'll do RBI preparation with all my dedication and right strategy and right sources. Have a nice day. Bye-bye.